कार्रवाई के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यूपी में मास्क न लगाने पर जुर्माना देना होगा। रिपोर्ट देखिए। अगर मास्क लगाने में आप भी लापरवाही कर रहे हैं तो होशियार हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि मास्क को लेकर यूपी सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार ने फैसला किया है कि अग्रिम आदेशों तक अब प्रदेश में हर रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं चलेंगी और पूरे प्रदेश में सैनिटाइजेशन का काम होगा, और जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो लोग मास्क लगाए बिना मिलेंगे पहली बार कार्रवाई करते हुए उनसे 1,000 रुपए वसूले जाएंगे, और अगर दूसरी बार भी बिना मास्क के मिले तो उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। रविवार की साप्ताहिक बंदी में यूपी सरकार जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करेगी। यूपी में रविवार को साप्ताहिक बंदी, जरूरी सेवाओं की छूट रहेगी। रविवार को प्रदेश के सभी बाजार बंद, बिना मास्क 1,000 जुर्माना, दूसरी बार 10,000 रुपए जुर्माना। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। वहीं लखनऊ में अमीनाबाद बाजार बंद रही। कोरोना वायरस के चलते लखनऊ के हालात बेहद बद से बदतर हैं। शमशानों में लाशों की लाइनें लगी हुई हैं, एक अंबार लगा हुआ है, कब्रस्तान तक लोगों को पहुंचाने के लिए कंधा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से किसी लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अमीनाबाद के व्यापारियों ने लोगों की जान को देखते हुए इस तरह की जो है वो बात कही है कि 3 दिन का दुकानें बंद रहेंगी। संजय कपूर जी हैं, अमीनाबाद व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, ये भी बात करेंगे। इन्हीं के कहने पे इतनी बड़ी बंदी 3 दिन के लिए हुई है। सर, कहीं कहीं दुकानें खुली हैं, वो उनको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो सब एसेंशियल कमोडिटी की हैं। पिछले कोरोना काल में भी उन लोग को हम लोगों ने पासेस बनवा के दिए थे, जो रोजमर्रा के खाने पीने की सामान है या जड़ी बूटी औषधि वाले हैं और या मेडिकल स्टोर्स हैं। आप अभी भी देखिएगा सारे रोड पर सिर्फ इसी टाइप की 3-4 दुकानें खुली हुई हैं। बाकी हमारी बंदी का कॉल का पूरा हमारे व्यापारियों ने समर्थन किया। मैं अपने व्यापारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एसोसिएशन के महत्व को समझते हुए और अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जो काम किया वो सराहनीय है। कोरोना को देखते हुए योगी सरकार एक्शन में है। रविवार को पूरे प्रदेश में बाजारें और दुकानें बंद रहेंगी, साथ ही मास्क को लेकर भी सख्ती बढ़ेगी, इसलिए अब लोगों को और सतर्क रहने की जरूरत है, साथ ही अपना ख्याल भी रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।